ऑब्जेक्शन करने ने जिहड़े क्वेश्चन उन्होंने रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है सर जे कोई स्टूडेंट ऑब्जेक्शन करते हैं तो उन्होंने सही साबित होंगे ने तो बाकी बच्चों भी कोई बेनीफिट होगा मतलब बाकिया के भी क्वेश्चन सही मनिया जाएगा प्रूफ होने सिर्फ उस स्टूडेंट न ही बेनीफिट होगा जिन्हें ऑब्जेक्शन की है ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्शन का मतलब है कि एक बंदा जागता है एक बंदा एफर्ट कर रहा है ऑब्जेक्शन क्यों किए जाते हैं ये गल समझ लो पहला तो कि क्यों ऑब्जेक्शन सारे नहीं करते कुछ बच्चे ही क्यों कर रहे हैं कारण यह है कि जिन्हें बच्चे ने एग्जाम लई मेहनत की है तो उसने एग्जाम की मेहनत के बावजूद ये राइट आंसर मान लो बी लगाया सी लेकिन आंसर की विच राइट आंसर सी लिखा होया है तो उसकी मेहनत का उसनों नुकसान होया है। जिन्हें बच्चों ने पढ़िया नहीं सी तैयारी नहीं सी की तुक्का लगाया सी ते ओ उना दा ठीक हो गया उन्होंने बाय चांस ये लगाया सी सो ए जस्टिस है नहीं है। सो जिसने ऑब्जेक्शन लगाना है वह एफर्ट कर रहा है जो ऑब्जेक्शन लगेगा जे यूनिवर्सिटी करती है कि आंसर सी दी बजाए हुण आंसर बी जिहड़ा राइट आंसर होएगा ते बी जिन्हें भी सारे तुहाडा आंसर का जवाब यही है कि जिन्हें भी सारे विद्यार्थियों ने बी स्कोर लाया सी ते नवी करैक्टड की मुताबक उन्होंने स्कोर मिलेंगे बाकियों के स्कोर बाकियों को स्कोर नहीं मिलेगा क्योंकि ये ग्रेस मार्क्स वाली गल नहीं है। कारण है कि पेपर तुहाडा बिल्कुल ठीक होया है बाद विच आंसर की विच जां कोई गड़बड़ है उस गड़बड़ नूं करैक्ट किया जा सकता है और उस लई डेट भी दिती गई है 2 तरीक दिती गई है तुहानूं एनालाइज करन लई दिता गया है। बाकी किहड़े किहड़े क्वेश्चन ने किसे किस तरह लिखना है करना है वह मैं नैक्सट वीडियो विच तुहानूं दस दिना हाँ। सो एक जना भी जे ऑब्जेक्शन करता है तो बाकी सब नूं फायदा होना है। जे कोर्ट विच एक केस जितया जाता है किसी द्वारा तो उस दे सिमिलर उस सेम केस जिन्ने भी है उन्होंने सारिया ते वो अप्लाई हुंदा है जो कानून बनता है सब ते अप्लाई हुंदा है। सो ऑब्जेक्टिविटी के मुताबिक सारिया ते अप्लाई होगा। थैंक यू।